नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गढ़वाल वंश के बारे में। मैप में आप देख लीजिएगा, मैप बना हुआ है, मैप में आप देख लीजिए, कन्नौज के आसपास का क्षेत्र गढ़वाल वंश था। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था सोलंकी वंश वो गुजरात का था, ये है कन्नौज के आसपास का क्षेत्र यूपी में। बाकी संस्थापक की बात करेंगे, गढ़वाल देखिए हल्का सा तिरछा आपको दिख रहा है, चूँकि असल बात है ना कि जब फोटो इसकी क्लिक की जाती है तो कभी हल्का सा पेज अगर जो हल्का सा टेढ़ा हुआ तो टेढ़ा हो जाता है। खैर आइए, समझ में तो आ ही रहा आपको कैसा लिखा हुआ है। बाकी आइए संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रदेव था, चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक है, राजधानी जो है वो कन्नौज है। वही बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव ने गजपति, गिरपत, नरपति आदि उपाधियाँ धारण की थी, लेकिन ये आपको जानना नहीं है। इतना याद रखिए, संस्थापक था, राजधानी कन्नौज थी। इसके बाद आ सका है मदनपाल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आया गोविंद चंद्र, इसके बारे में आइए थोड़ा देखते हैं। सारनाथ लेख में कहा गया है कि वाराणसी की रक्षा के लिए स्वयं शिव ने उसे विष्णु के अवतार के रूप में नियुक्त किया था। तो विष्णु के अवतार के रूप में किसको शिव ने नियुक्त किया? गोविंद चंद्र को, ऐसा कहा गया है वाराणसी की रक्षा के लिए, कि सारनाथ लेख में ऐसी बातें कही गई। तो आइए आगे हम देखेंगे, यह गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, यह भी याद रखिएगा। यह स्वयं एक विद्वान था एवं इसके लेखकों में इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। तो याद रखिएगा किसको पुकारा गया, इसी को कहा गया। दरबारी विद्वान में हम देखेंगे तो लक्ष्मीधर थे, इनको कृत्य कल्पतरु भी कहते हैं या मंत्र महिमा के आश्चर्य भी कहते हैं इनको। तो मंत्र महिमा का आश्चर्य किसको बोला जाता है? कृत्य कल्पतरु को बोलते हैं। दरबारी विद्वान थे किसके काल में? गोविंद चंद के काल में। कहते हैं कि जब भी कोई युद्ध वगैरह या ऐसे जब जाता था अभियान पे, तो ये लक्ष्मीधर से थोड़ा सा मंत्रणा वगैरह कर करके उस तरीके से जाता था, यज्ञ करा करके, कि हाँ सब कुछ सफल रहे। तो ऐसा होता है किसके काल में? गोविंद चंद के काल में। बाकी आप भी जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप देवी देवताओं को तो याद करते ही होंगे, मंदिर वगैरह जाते होंगे। खैर आइए, गोविंद चंद ने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संचालित जेतवन विहार को 6 गाँव दान में दिए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब परीक्षा का लेवल बढ़ेगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, कहीं पूछा गया है, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है या नेट में आया है या पीजीटी में कहीं पूछा गया है, मैंने देखा है इस क्वेश्चन को। ये जेतवन विहार है, ये कहीं पूछा गया क्वेश्चन। तो जेतवन विहार को 6 गाँव दान दिए थे, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संचालित जेतवन विहार को 6 गाँव दान किए थे। किसने किए थे? गोविंद चंद ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी, टेस्ट की याद आ रही है, जेतवन विहार को 6 गाँव दान में दिए थे, तो याद रखेगा। बाकी गोविंद चंद्र शैव धर्मानुयायी था। क्या था? शैव धर्मानुयायी था, याद रखेगा। जेतवन विहार को 6 गाँव दान में दिए थे किसने? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संचालित जेतवन विहार को गोविंद चंद ने, ये इंपॉर्टेंट है। शैव धर्मानुयायी था, ये भी याद रखेगा। बाकी गढ़वाल वंश बहुत बड़ा तो है नहीं, आइए देखते हैं आगे। आगे हम आएंगे तो है विजय चंद्र, इसने जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? करवाया था बताया मैंने, तो इसको याद रखिएगा, विजयचंद्र। लेकिन आगे चल करके आप जान ही रहे हैं कि अटाला मस्जिद जौनपुर की है, तो वो तो आप जान ही रहे हैं किसने बनवाया था, ये आप याद रखिएगा। जौनपुर की अटाला मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद जो है वो आगे चल करके अटाला देवी मंदिर के अवशेष पर बनवाई गई है। कहाँ पर स्थित है? जौनपुर यूपी में। कहाँ स्थित है? यूपी जौनपुर में, याद रखिएगा। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी बोलते हैं, सरकी वंश का शासन भी यहीं रहा, सब कुछ आप याद रखिएगा। मलिक सरवर ने स्थापना की थी। फिर आइए जयचंद की बात करते हैं, 1170 के आसपास की ड्यूरेशन है, तो इसको याद रखिएगा। जयचंद की हम बात कर रहे हैं, हसन निजामी का ताजुल मासिर का कथन है कि जयचंद की, और ये भी यहाँ 70 है तो 1194 भी इधर कर ही लीजिए, क्योंकि 94 चंदावर के युद्ध में इसकी हत्या हो जाती है। हसन निजामी का ताजुल मासिर का कथन है कि जयचंद की सेना में सैनिकों की संख्या बालुका कणों के समान थी, मतलब बहुत बड़ी सेना इसके पास थी, ऐसा कहा गया है हसन निजामी का ताजुल मासिर में। चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर के युद्ध में गोरी जीत जाता है और जयचंद की पराजय हो जाती है। खैर इससे पहले जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के जब हारे थे, तो यही जयचंद थे जो होली मना रहे थे। कहाँ पर? कन्नौज में।
यही जयचंद थे, कन्नौज में होली मनाते। तो इनको सबसे बड़े, अगर जयचंद को देखेंगे तो सबसे बड़े देशद्रोही के रूप में जाना जाता है जयचंद को। आज भी जब किसी की बात होती है, गद्दार की बात होती है, ऐसे कोई बात होती है, तो उदाहरण के रूप में जयचंद को प्रस्तुत किया जाता है कि ये क्या है, जयचंद की तरह है, मतलब देश के प्रति गद्दार हैं। ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन आपको उन बातों में ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन मोहम्मद गोरी और जयचंद ने मोहम्मद गोरी को मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। अब इसमें भी कहते हैं कि हाथी पर बैठ करके जब जयचंद आ रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी आँख में तीर मार दिया था, और उसी से गिर करके जयचंद पराजित हुआ। जब जयचंद गिर गया तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई, उसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए चंदावर का युद्ध जीत लिया गया था। तो चंदावर का युद्ध जीता था, 1194 में हुआ था, जयचंद की हार हुई थी। ये याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दरबारी विद्वान की बात करेंगे तो उनमें नाम आता है, पहला है विद्यापति का, इनकी रचना है पुरुष परीक्षा, नयनचंद्र की रचना है रंभा मंजरी, और श्रीहर्ष थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इनकी रचना है नैस धरचरित, और खंडन खंड खाद इनकी रचना है श्रीहर्ष की। और इसका अंतिम, जब हम शासक की बात करेंगे, तो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो था वो हरिश्चंद्र था, हरिश्चंद्र अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा। बाकी जब हम देखेंगे तो गढ़वाल वंश की मोहरों पर हमें गरुड़ की आकृति मिलती है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। और दो तरीके के कर हैं, उनको हम देखेंगे। तुरुष्क दंड है, तुरुष्क दंड जब हम देखेंगे तो मुस्लिम जनता से वसूल किया जाने वाला कर था, इसको हम तुरुष्क दंड बोलते थे। और प्रवण कर है, ये फुटपाथ पर जो जो फुटकर व्यापारी होते थे उनसे लिया जाने वाला एक कर था, जिसको बोलते थे प्रवण कर। तो ये हुई बात आज की, जिसमें से हमें याद रखना है चंदावर के युद्ध की ड्यूरेशन याद रखनी है, और इसके बाद में अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, विजय चंद ने, और अटाला मस्जिद, वैसे तो अधिकतर पूछा था अटाला मंदिर कहाँ, मस्जिद कहाँ है, तो जौनपुर में है, याद रखना। बाकी श्रीहर्ष की रचना है, विद्यापति की रचना है, इनको याद रखिएगा। और इससे पहले हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जितवन विहार, आप याद रखिएगा, लक्ष्मीधर की रचना आप याद रखिएगा, इन सबको आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में इनसे पूछे जा सकते हैं। बाकी विविध विद्या विचार वाचस्पति ने किसको बोला गया है, तो वो बोला गया गोविंद चंद को। मैप आप जरूर बना लीजिएगा, मैप बनाएंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो मैप बना लेंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, चीज़ें समझ जाएंगे। तो गढ़वाल वंश जैसे ही दिमाग में आएगा तो कन्नौज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे वैसे तुरंत दिमाग आपका कन्नौज मतलब उत्तर भारत पहुँचेगा। कन्नौज याद भी है तो कन्नौज के तो आप मैप में जानते ही हैं, तो मैप में आप उन क्षेत्रों को जरूर डिनोट किया कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट का मैं अब आगे का विजन में बता दूंगा कि क्या आने वाला है, जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें हम संगम साहित्य की बात करेंगे, संगम साहित्य के बाद में इसी में देखेंगे चेर चोल पांड्य, इसके बाद हम बात करेंगे पल्लव की, फिर राष्ट्रकूट की, उसके बाद हम आएंगे चालुक्य की, चालुक्य से कल्याणी के चालुक्य, वातापी वादामी जान ही रहना, सब इनके हम बात करेंगे आगे आने वाले समय। तो ये सब चीज़ें अभी आने वाले समय में आएंगी, तो इनको आप याद रखिएगा। बाकी इनमें जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, संगम साहित्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संगम साहित्य को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चोल तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, पल्लव के भी जब मंदिर मंदिर आएंगे तब पल्लव वगैरह पढ़िएगा, पल्लव आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रकूट के कुछ शासक हैं, युद्ध वगैरह में इनका हम जिक्र करेंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया तिरपच्ची संघर्ष में इनकी चर्चा हो चुकी है, बाकी आने वाले समय में जब जो जैसे इंपॉर्टेंट होगा उन सब का हम जिक्र करेंगे। तो दक्षिण भारत के इतिहास को काफ़ी अच्छे से मैं कवर करने वाला हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा भी, क्योंकि तभी इसका नोट्स बनाएंगे तभी आप मज़ा आएगा, वरना फिर आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे, आपको उसका कुछ खास लाभ ले नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि उसका नोट्स वगैरह बनाइए, नोट्स बनाएंगे तभी मज़ा आएगा। और फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।